हेलो मेरे जॉब स्मार्टी दोस्तों, मैं हूं अमर झा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जॉब स्मार्ट। दोस्तों, आपने कभी अननोन टेलीफोन नंबर से अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी यानी नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन करवाने के लिए कॉल रिसीव किया है, या फिर किसी वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट करने के दौरान आपको ओटीपी शेयर करने का इंस्ट्रक्शन आया है, या आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ गया हो जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई नहीं किया था और अब आगे के प्रोसेस के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट एक किसी बैंक में ट्रांसफर करने को कहा गया है, तो आप या तो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं या फिर बार बार बच। दोस्तों, मेरे साथ ये सारे केसेस हो चुके हैं। दोस्तों, मैं जब घर में बैठा था तो मेरा कार्ड जापान और रशिया में यूज करने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, साइबर क्राइम के 5 इंपॉर्टेंट मेन मोटिव्स होते हैं। पहला, फाइनेंशियल फ्रॉड यानी पैसे की गफलत। दूसरा, सेक्सुअल एक्सटॉर्शन यानी सेक्स में फंसाकर पैसे ऐंठने का प्रयास। तीसरा, एक्सटॉर्शन या पैसे की वसूली। चौथा, आपको बदनाम करने की कोशिश। या फिर पांचवा, व्यक्तिगत बदला या रिवेंज लेना। दोस्तों, पुलिस भी इन साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए पूरी तैयारी में लगी रहती है। लोग 1930 और इसमें अभी तक करीब 19,178 शिकायतें हमारे यहाँ रिसीव हुई हैं जब से ये हम लोगों ने मार्च से प्रारंभ किया है, और इसमें लगभग हमारे पास इन शिकायतों। दोस्तों, इस एपिसोड को आप पूरा देखें, इसमें आपको साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेस, अच्छे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेक्टेड सैलरी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सरकार के बजट, सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। आपको जॉब एज वेल एज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस चैनल के द्वारा हम आपको पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, आज इस दुनिया में जैसे जैसे आईटी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, वेबसाइट के ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही साइबर क्राइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडिया में कई स्टेट्स साइबर क्राइम के हब बन चुके हैं। पहले झारखंड के जामताड़ा का नाम आपने जरूर सुना होगा। जामताड़ा साइबर क्राइम का हब माना जाता था, परंतु पिछले 3 साल में राजस्थान का भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जामताड़ा को भी मात दे रहा है। अगर हम 3 साल के डेटा को देखें तो इंडिया में रजिस्टर्ड साइबर क्राइम में दिल्ली एनसीआर से 54.1% साइबर केसेस उभर कर आ रहे हैं। छोटे छोटे शहर जैसे मेवात का क्षेत्र, जिसमें राजस्थान का भरतपुर और अलवर, उत्तर प्रदेश का मथुरा और हरियाणा का नूह जिला आता है, जामताड़ा को काफी पीछे छोड़ चुका है। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की डेटा देखें तो देश में 2021 में 52,974 साइबर क्राइम के केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जो पिछले साल से 11.8% अधिक है। कोविड पेंडेमिक के दौरान साइबर क्राइम के केसेस में जबरदस्त उछाल आया है, जिस दौरान साइबर क्रिमिनल्स घर बैठे ही या तो लोगों के पर्सनल प्राइवेसी या हेल्थ सेक्टर के इंफॉर्मेशन या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में डाका डालने की कोशिश कर रहे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 के पहले क्वार्टर में ही करीब करीब 2000 साइबर अटैक हर हफ्ते रिपोर्ट हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 7.7% साइबर अटैक हेल्थ सेक्टर में रिपोर्ट किया गया है। दोस्तों, जैसे त्रेता युग में रावण और राम का युद्ध चला था, वैसे ही आज के समय में भी साइबर क्राइम के साथ साथ
साइबर सिक्योरिटी का भी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। आज स्किल्ड एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी पर्सनल की इतनी कमी है और डिमांड इतना ज्यादा है कि आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर आपको 5 लाख से 25 लाख पर ईयर की नौकरी साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में मिल सकती है और आपकी एवरेज सैलरी करीब करीब 10 लाख के ऊपर हो सकती है। जो भी इंडस्ट्री एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल करती है, जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ सेक्टर, रिटेल, ई कॉमर्स, उन क्षेत्रों में साइबर सिक्योरिटी पर्सनल की बहुत अधिक डिमांड है। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का मार्केट 2027 तक $3.5 बिलियन का हो सकता है और इसमें साल दर साल 8.05% की बढ़ोतरी भी हो सकती है। टीम लीज डिजिटल की एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार एज ऑन May 2023 40,000 साइबर सिक्योरिटी पर्सनल की जॉब अपॉर्चुनिटी मार्केट में है और करीब करीब 30% का स्किल गैप चल रहा है, जिसके कारण उन वैकेंसीज को भरा नहीं जा पा रहा है, जो इंडस्ट्री के लिए एक चिंता का विषय है। एक पोर्टल CRAW.in जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीटी और NASSCOM डिजिटल स्किलिंग का इनिशिएटिव है, उन्होंने तो अपने पोर्टल पर अलग अलग लेवल के कोर्सेज भी बता रखे हैं और साथ ही 100% गारंटेड प्लेसमेंट का दावा करती है। आज साइबर सिक्योरिटी का जो स्पेशलाइजेशन सबसे अधिक डिमांड में है वो है डेटा प्राइवेसी, क्लाउड सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में जो टॉप जॉब्स हैं उनमें IT ऑडिटर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, IT एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी टेस्टिंग और पेनिट्रेशन टेस्टर एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक एनालिस्ट इंक्लूडेड है। आप साइबर सिक्योरिटी के कोर्स 12th पास करने के बाद कर सकते हैं और उसमें डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल है। साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाने के लिए जो टॉप 10 डिग्रीज हैं वो है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एश्योरेंस, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स एंड मशीन लर्निंग। साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट्स में जो इंस्टीट्यूट अच्छे कोर्सेज चला रहे हैं उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है और आप उन इंस्टीट्यूट्स को उस लिंक को क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं। इन इंस्टीट्यूट्स के अलावा IIT दिल्ली, IIT कानपुर, MIT यूनिवर्सिटी, भारत सरकार की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELT भी साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज चलाते हैं। इनमें कुछ ऑनलाइन और कुछ कैंपस कोर्सेस उपलब्ध हैं। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आप खुद की अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी स्टार्ट कर सकते हैं और एक छोटी टीम बनाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY ने साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए 2023 के बजट में 400 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं और 225 करोड़ इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम CERT-IN के लिए दिए हैं, जो पिछले साल के 180 करोड़ से कहीं ज्यादा है, जो ये दिखलाता है कि सरकार साइबर सिक्योरिटी को लेकर काफी चिंतित है और सजग है और भविष्य में तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ने वाला है। इंडिया ही नहीं, आपको विदेशों से भी साइबर सिक्योरिटी के बिजनेस और जॉब्स आउटसोर्सिंग के माध्यम से मिल सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने जॉब्स, बिजनेस और करियर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे हर एपिसोड को देखते रहिए, जॉब स्मार्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा अगला एपिसोड जैसे ही रिलीज होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद।